अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। MR गोट्स हैदराबाद की तरफ से ये वीडियो है, जो कि आप सारे भाई जानते हैं। MR गोट फार्म से एक राजस्थान से ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। आज रवानगी का दिन है, जो कि इमरान भाई गोट फार्म से अपन है और जोधपुर में है। ये इमरान भाई के वालिद साहब है, देखो ये भी मेहनत में लगे हमारे पीछे। बकरियों की काफ़ी मेहनत है और बकरे चारा पानी कर रहे हैं और थोड़े बकरे रेस्ट कर रहे हैं। और देखिए ये अभी चारा डाल रहा है और कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। देखो चारा डाल रहे हैं, ये इमरान भाई के दोस्त है, इमरान भाई के भाई है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई क्या बोल रहे हैं, मेहनत बहुत गर्मी हो रही है, अल्लाह अल्लाह। और व्यूअर से क्या बोलेंगे, हमारे हक में दुआ करो हमारी मेहनत के लिए। आपको दिन रात किसको दे आपको? अरे मेरे को दो। हाँ। अच्छा ये मेहनत पे, चलो अमीन अल्लाह जरा आप दवान को अमीन करे, अमीन करे। देखिए और कस्टमर लोग हरी पत्ती मंगाते हैं ना, तो इस पे हम लोग लिख देते कांटा करके यहाँ पर। देखिए 22 किलो 500, 18 किलो 500, पाउटा बेटा 21 किलो 200, ऐसा लिख देते। ये इमरान भाई के शहजादे और बेटा ठीक है, इंशाल्लाह अपन लोड करने का भी वीडियो बताएंगे आप लोग को। और सुजात का माल भी खड़े हुआ है वहाँ पर, देखिए। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, कि और भाइयों को भी पता लगे कि हमारे चैनल के ज़रिए से बरबरियाँ और सुजात और बीटल मिलते करके और ट्रांसफर भी अवेलेबल होता करके। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के फजलो करम से आज हमारी गाड़ी भर चुकी है आप भाइयों की दुआ से, जो कि इसमें सुजत वाला माल है और बरबरी है, बीटल है, जो कि हमारे इमरान भाई ये हर बार सुजत में काफ़ी मेहनती थी भाई की। और हर बार जैसे कि मैं घर से गाड़ी भरता हूँ इनके फार्म से, तो हर बार ये खुद मुझे हैदराबाद तक छोड़ के आते, ठीक है। और हमारी गाड़ी के साथ हमेशा के आपको मैं बार बार बोलता था, तीन मजदूर होते, एक मैं, चार लोग होते हमारी। ये देख लीजिए, ये भाई है मेरे गाड़ी के साथ चलने वाले हैदराबाद में, बताओ इधर बताओ। ये एक मजदूर है, ये इमरान भाई है और मैं हूँ, और ये हारून जी है, उनकी भी काफ़ी मेहनत थी और हमारे हाफिज जी की भी काफ़ी मेहनत थी। और माल दिखाइए, माल भी वीडियो में आना चाह रहा हूँ। तो आप भाई हमारे सफ़र के लिए दुआ करें, अभी सफ़र शुरू हो चुका है यहाँ से। और किसी भाई के भी जानवर हो, सही सलामती के लिए दुआ करें और हमारे भी लिए दुआ करें, काफ़ी मेहनतों के बाद आप तक जानवर पहुँचता मेरे दोस्तों, ठीक है। यही मकसद नहीं है कि गांव में आ जाए, वीडियो बना ले, आप लोग को वीडियो दे दे, आप परचेसिंग कर लिए, लेके जाके पैसा का माल पहुँचा जाए, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, ठीक है, और अच्छे से अच्छी चीज़ का शौक करें और अच्छे से अच्छे सही सलामत आप तक पहुँचाएं माल अपना, ये मकसद। अपन जब तो जाके हैदराबाद छोड़ के यहाँ पर राजस्थान आके काम करने का मकसद यही है। और इमरान भाई मिलान में मसाला पना नहीं करें, वीडियो चल रहा है। और ये हमारे मिलान भाई है, ये हमारे मिलान भाई के भाई है, तरह बहुत फुर्ती ने, इसे थोड़ा जज्बात में आते रहते हैं। कभी भी हम लोग गाँव से माल खरीदते 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, तो बिलान भाई इकट्ठा करके हमारी गाड़ी तक लाके पहुंचाते। और इंशाल्लाह लोड करने से पहले मैं आपको एक जानवरों का व्यू बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ऐसे वीडियो में जुड़े रहिए। सफ़र से लेके फार्म पे देने तक और फीडबैक कस्टमरों को यहीं तक बताएंगे। इंशाल्लाह देखो वीडियो घुमाइए, ये देखिए माशाल्लाह ये माल है। और हमें इमरान भाई के वालिद साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे हाफिज़ साहब, ये हाफिज़ कुरान है, तो मैं हाफिज़ साहब भी बोलता हूँ ज़्यादा, और हाफिज़ साहब के महलिया को शहजादी भी बोलता हूँ, ये मेरे शौक से। और हाफिज़ साहब आप क्या कहना चाहोगे हमारे काम के ताल्लुक से और हमारे जानवरों के लिए? नहीं माशाल्लाह, पहली बार भी हमारे यहाँ जी जी भाई आए जी जी जी, और यहाँ से जानवर ले गए जी जी, और रात दिन एक करके ये जो जानवर जो इकट्ठा करते जी, हैं जी, जी, हाँ। इनके लिए बहुत मुशक्कतें उठानी पड़ती है, बहुत तकलीफ के बाद में ये आप तक, जैसे कि अपनी हाँ। मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। अमजद भाई अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत करे, अमीन, अमीन। और इन अल्लाह ताला
सही सलामत अपने घर तक पहुंचा दे और जी जी बस हमारी यही दुआ है। बस बस जजाकल्ला खैर और अस्सलाम वालेकुम। और चाचा हारून चाचा है जी 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 हारून चाचा है और हारून चाचा भी बकरों का बहुत अच्छे शौक करते हैं और हारून चाचा का छोटा सा सेटअप है पीछे इंशाल्लाह दिखाएंगे। और हारून चाचा आप क्या कहना चाहोगे ये बकरी का जो शौक कर रहे हैं लोगों को क्या कहना चाहोगे? इनको ऐसे ही कहते हैं अच्छा माल ले आया और खरीद अल्लाह पाक इसको खैर खुशी से। बस 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 अमीन अमीन अमीन। और इमरान भाई का तो शुक्रिया अदा करूंगा, काफ़ी मेहनतें होती है इमरान भाई, तो मैं ये बोलूंगा दिलाने से लेके गाड़ी भरवाने से लेके हैदराबाद पहुंचाने तक इमरान भाई का मेरा साथ था हमेशा और इंशाल्लाह चला हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही साथ होगा। इमरान भाई के छोटे शहजादे जो कि अभी हाफिज़ कुरान बन रहे मदरसे में पढ़ रहे और देखिए इमरान भाई झोली उठाने के भी रेडी है तो बहुत मेहनतें होती है भाई। तो इंशाल्लाह चला एक छोटा सा व्यू देख लेंगे फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र का भी वीडियो बनाना है फिर अपन लोगों को। ठीक है देखिए कितना सेहतमंद माल है। ठीक है ये हारून चाचा का छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप है ये वाला। ठीक है देखिए कितनी बड़ी काफ़ी जगह है और गाड़ी में बता दूंगा आप लोगों को जानवर थोड़े ही है कुल मिला के 65 जानवर है 65 जानवर है। और देखिए इतने देखो नीचे घास वगैरह डालते कि बकरों को तकलीफ ना हो कि हाँ बहुत अच्छी तरीके से कि बकरों को उछलने पे यानी कच्चा हो जाएगा तो ये लोगों को कुछ नीचे गीला गीला महसूस करते ये ना हो उस वजह से ये डाला करते हैं हर हमेशा के लिए। पहले मैं मट्टी डालता था इमरान भाई मैंने मना करे मट्टी कच्ची हो जाती करके देखिए पीछे ऊपर भी डाल दिए वो चारा भरे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी गाड़ी करता हूँ डबल सस्पेंशन गाड़ी यानी गड़ों में नहीं उछलने वाली गड़ों में उछलेगी गाबन बकरी गाप तोड़ देती है और एक क्या सो बकरों के पैरों में दिक्कत आ जाती यानी खुर वुर रहे तो दर्द हो जाते लोगों के। बस इंशाल्लाह।